क्या योगी का गढ़ बनेगा पाकिस्तान? क्या कट्टरपंथियों की साजिश होगी कामयाब? क्या योगी राज में भगवा की जगह लहराएगा पाकिस्तान का झंडा? देश में कट्टरपंथियों और जिहादियों की जमकर बजाने वाली सरकार सत्ता में है, फिर भी इन जिहादी मानसिकता वाले कौमी सियारों के हौसले देखिए। यूपी के मुखिया योगी के गढ़ में पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। आपको बता दें, एक घर में पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए तस्वीर वायरल हुई, जिसे यूपी के गोरखपुर जिले का बताया जा रहा है। जी हां, ठीक सुना आपने, वही गोरखपुर जहां से सूबे के सीएम योगी ने भगवा का भौकाल टाइट करते हुए देश को सनातनी रंग में रंगने का दावा किया। उन्हीं के गढ़ से पाकी झंडे की ऐसी तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। वो तो हिंदू संगठनों का शुक्र मनाइए, पाकिस्तानी झंडे को वक्त रहते देख लिया। कट्टरपंथियों के इरादे इतने मजबूत हैं कि खुलेआम पाक परस्ती दिखाने में इन्हें कोई डर नहीं। लेकिन यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, योगी की एक्टिव सरकार ने भी जिहादी सोच को कुचल डालने की कसमें खा रखी है। इसी का परिणाम है कि तालीम, पप्पू, आसिफ, आरिफ के मंसूबों पर तेल लगे लट्ठों से ऐसी मालिश कराई गई कि सात पुश्ते सरहद के पार पाकिस्तानी सोच को भारत में पैदा करना तो दूर, ऐसा सोचने में भी ये सारे जिहादी कांप जाएंगे। घर के छत से भारत में पाकिस्तान का प्रचार करने वाले कट्टरपंथियों पर योगी की पुलिस ने दिन में तारे दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन सनद रहे, सत्ता में बैठे सरकार इफ्तारी में टोपी पहनकर हड्डी तोड़ने वालों में से नहीं है। ये वो हैं जो जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन सियारों वाली फितरत दिखाने की कोशिश भी की तो छानते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज़।